हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन एंड माय नेम इज़ विकास। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं निकला हुआ हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर अपनी साइकिलिंग करने, और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे सामने आपको दिख रहा होगा कि ये मेट्रो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका मेट्रो स्टेशन भी है। और ये जो पूरा इलाका है ना, बहुत ज़्यादा रिच है ग्रीनरी के परस्पेक्टिव से। अगर आप देखोगे सामने बड़े बड़े आपको ट्रीज दिखेंगे, वहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रीनरी है। और ये है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो है मेन बिल्डिंग, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगा हुआ है जो लहरा रहा है। और इस ट्रैक पर सुबह सुबह आप देख पाएंगे कि बहुत सारे जो साइकिलिस्ट हैं वो यहाँ पर आपको जाते दिखेंगे। और सबसे बढ़िया क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। अब जैसा कि मैंने अपनी साइकिलिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी साइकिल लगाई, और यहाँ पर देखिएगा वुडन के आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जो डेस्क है वो यहाँ पर मिलेंगी। तो ये भी अथॉरिटी ने जो ऐसे कुछ ट्रीज़ होंगे जो पहले कभी काटे गए होंगे इस तरीके के डेवलपमेंट को करने के लिए, तो उसके बाद में इनको यूज़ कर लिया गया है एज अ हम कह सकते हैं बैठने के लिए लोगों के लिए। लेकिन लोग थोड़ा सा यहाँ पर सिटिंग एरिया काफ़ी गंदा रखते हैं, क्योंकि ये हम सब लोगों से ही क्लीन हो सकता है। बट ओवरऑल ये है पूरा ग्रासलैंड जिसमें सिंचाई भी होती है और पानी भी डाला जाता है, और बहुत ही बेहतर तरीके से ये ग्रो करता है। इस बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो मेन कैंपस है, इसके जस्ट पीछे विप्रो का कैंपस है। और ये जो एरिया है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉश है, और साइकिलिंग करने के परस्पेक्टिव से सर्विस लेन, रोड्स वगैरह बहुत कुछ है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये जो ट्रैक्स जा रहा है ना, ये सर्विस लाइन जो है वो हर एक एंगल से आपको, हर एक मेन रोड के पैरेलल आपको देखने को मिलेगी। तो लोग इन रोड्स को काफ़ी इन्जॉय करते हैं और साइकिलिंग करने के लिए इन रोड्स को फॉलो भी यहाँ पर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ बड़े ट्रीज़ भी हैं, देखो जो यहाँ पर व्यू है ना, वो यार औसम है, औसम। सॉइल से सुबह सुबह ज़रूर निकलें, और एटलीस्ट जो भी आपका लोकल एरिया हो वहाँ पर जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, और अपनी जो आगे की हेल्थ है उसको और बेहतर तरीके से आगे लेकर आएं। तो बर्ड्स वगैरह भी देख सकते हो। अब जैसे जैसे टाइम आएगा ना, सर्दियाँ बढ़ेंगी, तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो ग्रेटर नोएडा में एक सूरजपुर जो है वेटलैंड है, सूरजपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड्स आते हैं, और लोग वहाँ पर जाते हैं इन्जॉय करने। मैं भी जाऊँगा वहाँ पर, एक छोटा सा ब्लॉग ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो ये ओवरऑल मेरा एक मॉर्निंग का रूटीन था, और अब निकलते हैं एक नेक्स्ट अगले पड़ाव की ओर। तो ये है मेरी साइकिल जो कि स्पिनर प्रो 75X, और ये मेरा काफ़ी साथ दे रही है पिछले लगभग 6-7 सालों से। तो सुबह सुबह जब कभी निकलें तो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह भी हों, और हेलमेट हो, लाइट्स वगैरह अपनी प्रॉपर ऑन रखें, उसके बाद मूवमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे विद मी एंड वी विल मीट सून।